हेलो टू एवरीवन आज हम लोग बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग और जो नोट्स मैं यहां पे यूज कर रहा हूं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है आप वहां से इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं खैर चैप्टर स्टार्ट करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई नाउ जैसे कि आपको पता होगा एक सप्लायर जब कभी भी रेसिपेंट को सप्लाई करता है तो उस पूरी ट्रांजेक्शन में अलग अलग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं मान लो एक पर्टिकुलर डेट में सप्लायर और रेसिपेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर कुछ समय के बाद सप्लायर ने रेसिपेंट को सप्लाई की गुड्स डिलीवर किए कुछ समय के बाद रेसिपेंट से सप्लायर को पेमेंट रिसीव होती है तो यहां पे तीन स्टेप्स हो गए कॉन्ट्रैक्ट हुआ गुड्स डिलीवर्ड हुई और पेमेंट रिसीव हुई मान लो कॉन्ट्रैक्ट मई के महीने में होता है गुड्स डिलीवर जून के महीने में होती है और पेमेंट जुलाई के महीने में रिसीव होती है अब सप्लायर गवर्नमेंट से यह पूछना चाहता है कि क्या मेरी टैक्स पे करने की लाइबिलिटी मई के महीने में आएगी जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किया या जब मैंने इन्वाइस इशू किया तब मेरी जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी आएगी या जब मुझे पेमेंट मिल रही है तब मेरी जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी आएगी तो गवर्नमेंट ने कुछ सेक्शंस बनाए हैं उन सेक्शन की मदद से गवर्नमेंट हमें बताती है कि आपकी सप्लाई का टाइम कब है हम कब मानेंगे कि आप सप्लाई कर चुके हैं और जब हम मानेंगे कि आप सप्लाई कर चुके हैं उस टाइम पीरियड पर आपकी टैक्स पे करने की लाइबिलिटी आ जाएगी जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कहा कि जब आप अपना इनवाइस इशू करेंगे वो टाइम पे टैक्स लाइबिलिटी आ जाएगी एग्जाम्पल मैंने 18 अप्रैल को टैक्स इनवाइस इशू किया तो गवर्नमेंट ने कहा कि 18 अप्रैल को आपकी टैक्स पे करने की लाइबिलिटी आ चुकी है अब अप्रैल का जो टैक्स पीरियड है इसकी लाइबिलिटी आप कब डिस्चार्ज करते हैं अगले महीने इमिडिएटली नेक्स्ट मंथ तो अप्रैल के बाद मई आएगा और मई बीस बाईस या चौबीस तारीख को आप जीएसटी आर फाइल करेंगे उस जीएसटी आर के थ्रू आप अप्रैल के महीने की जीएसटी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर देंगे तो इस पूरे चैप्टर में हमें यही समझना है कि टाइम ऑफ सप्लाई अलग अलग सर्कमिस्टांसेस में कैसे कंप्यूट करेंगे गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं गुड्स के रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई के पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा अब अपने सामने ये एक पूरा चार्ट है इस पूरे चार्ट में मैंने सेक्शन नंबर ट्वेल्व जो गुड्स के रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई निकालने की बात करेगा एज वेल एज सेक्शन नंबर थर्टीन जो सर्विसेज के रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई निकालने की बात करेगा मैंने दोनों ही पोर्शन को इस पूरे चार्ट में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है तो सबसे पहले अगर हम चार्ट की स्टार्टिंग करें

तो गुड्स के रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई के लिए हमें सेक्शन नंबर ट्वेल्व पढ़ना पड़ेगा और जब के रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई निकालने की बात आएगी तो अपने को 13 पढ़ना अब 12 में उन्होंने हमें कुछ हैं जैसे 1 तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं अगर आप सेक्शन नंबर ट्वेल्व का नंबर वन देखेंगे और सेक्शन नंबर थर्टीन का नंबर वन देखेंगे तो वहां पे यही लिखा हुआ है कि टाइम ऑफ सप्लाई कब आएगा द टाइम एट विज द लाइबिलिटी टू पे टैक्स अराइज तो एक बार हम सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन नंबर वन को देखते हैं ये है सेक्शन नंबर 12, ये रहा सब सेक्शन नंबर वन क्या लिखा है द लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स गुड्स के ऊपर टैक्स पे करने की लाइबिलिटी आपकी अराइज हो जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग और टाइम ऑफ सप्लाई हम कैसे डिटरमाइन करेंगे वो कह रहा है सेक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सेक्शन सेक्शन नंबर ट्वेल्व के अकॉर्डिंग हम आपको बताएंगे कि गुड्स की सप्लाई के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा तो सबसे गुड्स की सप्लाई की उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करो और जैसे ही आप टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करोगे तो टाइम ऑफ सप्लाई आपको बता देगा कि आपकी इस सप्लाई के ऊपर जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी कब आ रही है आगे देखते हैं जी तो मैं आपको बता चुका हूं कि हम सबसे पहले सेक्शन नंबर ट्वेल्व की रिगार्डिंग बात करेंगे इस पूरी वीडियो में जिसमें मैंने सेक्शन नंबर ट्वेल्व नंबर टू डिस्कस करना है सेक्शन नंबर ट्वेल्व नंबर थ्री सेक्शन नंबर ट्वेल्व नंबर फोर सेक्शन नंबर ट्वेल्व नंबर सिक्स तो गुड्स के रिगार्डिंग छह सब सबसेक्शन हमें डिस्कस करने हैं अगर मैं सर्विसेस के रिगार्डिंग बात करूं तो सर्विसेस में भी हमें सेक्शन नंबर थर्टीन सेक्शन नंबर वन डिस्कस करना है सब सेक्शन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स अगर हम लोग सेक्शन नंबर ट्वेल्व को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे तो सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन नंबर फोर से लेकर के सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन नंबर सिक्स में जो बातें लिखी गई हैं ऑलमोस्ट उसी तरह की बातें आपको सेक्शन नंबर थर्टीन सेक्शन नंबर फोर से लेकर के सेक्शन नंबर थर्टीन सबसे में मिल जाएंगी इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम सेक्शन नंबर ट्वेल्व यानी कि गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकालना सीख गए तो सर्विसेज के केस में सेक्शन नंबर थर्टीन सेक्शन नंबर फोर नंबर सिक्स भी हमारा सेक्शन नंबर ट्वेल्व के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा इसका मतलब सेक्शन थर्टीन में हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो अब अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और सेक्शन नंबर ट्वेल्व सबसेक्शन नंबर टू से अपनी बात को स्टार्ट करते हैं ठीक है चलिए जी अगर मैं सेक्शन ट्वेल्व सबसेक्शन की बेर लैंग्वेज को रीड करूं तो यहाँ पे लिखा है द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शेल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स हम आपको कुछ डेट्स बताएंगे उन डेट्स में से जो भी पहली डेट होगी उस डेट में टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के केस में निकल जाएगा सबसे पहले इन्होंने लिखा द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस बाय द सप्लायर दूसरा इन्होंने लिखा द लास्ट डेट ऑन द शुड हैव बीन इशूड अंडर सेक्शन नंबर थर्टी वन और द डेट ऑन द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई इस चीज को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ठीक है तो चलिए भाई मान लो ये रहा एक सप्लायर और ये है रेसिपिएंट अभी हम सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन नंबर टू डिस्कस कर रहे हैं ये मैंने एक टाइम स्लॉट यहां पे लिखा है जनवरी फेबर मार्च अप्रैल मई जून ये पूरा मैंने टाइम स्लॉट लिखा है और इन अलग अलग मंथ्स में कुछ अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं अब उन इवेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं ठीक है सबसे पहले सप्लायर और रेसिपियंट के बीच में जनवरी के महीने में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने पर टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा द आंसर इज नो अभी तो केवल कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है गवर्नमेंट हमसे कैसे अभी टैक्स मांग सकती है अभी नहीं मांग सकती गवर्नमेंट टैक्स पंद्रह मार्च को क्या हुआ पंद्रह मार्च को रेसिपियंट ने एडवांस में सप्लायर को पेमेंट कर दी फिफ्टींथ ऑफ मार्च को रेसिपियंट ने सप्लायर को एडवांस में पेमेंट कर दी अब जरा आप सबसेक्शन नंबर टू को देखो यहां पे क्या लिखा है द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई यानी कि एक डेट हमें मिल चुकी है और वो डेट क्या है पेमेंट की डेट हमें मिल चुकी है यानी कि पेमेंट की डेट क्या है पंद्रह मार्च अच्छा सोलह अप्रैल को इनवाइस इशू हुआ तो जरा अब यहां पर देखो सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन नंबर ट्वेल्व सब सेक्शन नंबर टू के क्लॉज नंबर ए में क्या लिख रखा है द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस तो अभी तक हमें दो डेट्स मिल चुके हैं हमें इनवाइस की डेट मिल चुकी है और पेमेंट की डेट मिल चुकी है अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो गवर्नमेंट ने क्या बोला अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग टू तो 15 मार्च और 16 अप्रैल टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा 15 मार्च क्यों निकलेगा पंद्रह मार्च क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा कि इन्वाइस की डेट और पेमेंट की डेट को कंपेयर करो और जो भी पहले आएगा उस टाइम पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा तो इन दोनों में से पंद्रह मार्च पहले आता है तो मार्च के महीने में आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल चुका है और मार्च के महीने की लाइबिलिटी आप 20, 22 या 24 अप्रैल तक जीएसटीआर एस फाइल करके डिस्चार्ज कर देंगे अगर मान लो पेमेंट बाद में होती तो भाई इनवाइस पहले इशू हो चुका है तो इनवाइस बेसिस पर टैक्स दे दो तो गवर्नमेंट क्या कहती है पेमेंट बेसिस और इनवाइस बेसिस विच एवर इज अर्लियर आप हमें टैक्स पे कर दो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इन्वाइस इशू करने की हम लोगों ने सेक्शन नंबर थर्टी वन में आपको डेट भी बताई है जब आप इन्वाइस का चैप्टर पढ़ेंगे तो इन्वाइस के चैप्टर में हमें अलग अलग केसेस दिए गए हैं कि आपको इन्वाइस कब तक इशू कर लेना चाहिए अगर मान लो आप गुड्स के सप्लायर हैं तो सेक्शन नंबर थर्टी वन में लिखा गया है कि गुड्स रिमूव होने से पहले आपको इन्वाइस इशू करना पड़ेगा तो जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल भी दिया है कि पंद्रह जून को पंद्रह जून को गुड्स डिलीवर्ड भी गुड्स भी तो पंद्रह जून से पहले मुझे इन्वाइस इशू कर देना चाहिए था और जो कि मैंने एक्चुअल में कब इन्वाइस इशू कर दिया मैंने तो 16 अप्रैल को ही कर दिया तो गवर्नमेंट कहती है नॉर्मली आपको 15 जून से पहले कर देना चाहिए था क्योंकि गुड्स डिलीवर कब हो रही है 15 जून को तो अगर आप 14 जून को भी इन्वाइस इशू कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी तो चौदह चौदह जून क्या माना जाता द डेट ऑन विच द इन्वाइस शुड हैव इशूड अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर थर्टी और 16 अप्रैल क्या है एक्चुअल डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वाइस तो पहले 16 अप्रैल और 15 जून को कंपेयर करो जरा तो 16 अप्रैल और 15 जून को अगर मैं कंपेयर करूं तो अर्लीस्ट डेट कौन सी आती है 16 अप्रैल अब वो कह रहे हैं कि चलो इनवाइस की डेट तो आपने निकाल दी अब पेमेंट के साथ इसे कंपेयर करो सोलह अप्रैल और पंद्रह मार्च विच एवर इज अर्लियर पंद्रह मार्च तो पंद्रह मार्च इज द टाइम ऑफ सप्लाई और अगर आप यहां पे देखेंगे मैंने इसी बात को यहां पे लिखा हुआ है कि सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन नंबर टू में जब कभी भी एक सप्लायर रेसिपेंट को सप्लाई कर रहा है तो इसमें एफ की लाइबिलिटी आती है एफ का मतलब होता है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जिसमें सप्लाइड जीएसटी पे करता है ठीक है इसमें मैंने क्या लिखा है कि इन्वाइस की एक्चुअल डेट और ड्यू डेट और ड्यू डेट हमें कहां से पता लगती है के चैप्टर में सेक्शन थर्टी वन को देखते हुए और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर तो पूरा क्रक्स क्या हुआ सेक्शन नंबर टू का ट्वेल्व टू का एक्चुअल डेट तो और ड्यू डेट विच अर्लियर कंपेयर दैट डेट पेमेंट डेट और इन दोनों में से जो भी फिर अर्लियर डेट होगी वो आपकी क्या मान ली जाएगी अब एक और बार अगर हम बेर लैंग्वेज को पढ़ें, बेर लोग को पढ़ें, तो इसमें क्या लिखा है देखो जरा यही बात आपको यहां पे मिलेगी क्या लिखा है कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा जो आपको हम तीन डेट्स बता रहे हैं ये पहली ये दूसरी और ये तीसरी इन तीनों में से जो सबसे पहली डेट होगी उसी में टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा यहां पे मैंने लिखा है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस सप्लायर यानी कि एक्चुअल ठीक है तो इन तीनों डेट्स में से जो भी अर्लिएस्ट डेट होगी उस डेट में अपना क्या निकल जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा तो इस एग्जाम्पल में टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा क्योंकि सबसे पहले हमें पेमेंट हो तो रही है तो पेमेंट बेसिस पर टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा तो फिफ्टी मार्च इज द टाइम ऑफ सप्लाई इसका मतलब क्या हुआ कि पंद्रह मार्च आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल चुका है तो मार्च के महीने में आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है जिसे आप 20, 22 या 24 अप्रैल तक क्या कर देंगे फुलफिल कर देंगे बाय फाइलिंग जीएसटी थ्री बी चलिए जी अब सेक्शन नंबर ट्वेल्व नंबर 2 में हमें कुछ और बातें भी यहां पे देखने को मिलेंगी और क्या लिखा है प्रोवाइडेड दैट एक प्रोविजो हमें दिया गया है प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर ऑफ द टैक्सेबल गुड्स रिसीव्स एन अमाउंट अप टू वन थाउजेंड रुपीज इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन द टैक्स इन वाइज द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट शेल एट द ऑप्शन ऑफ द सेट सप्लायर बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इन्वाइस रिलेटिंग टू सच एक्सेस अमाउंट अब इस बात को हम उसे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ठीक है देखो भाई क्या लिखा है जैसे मान लो सप्लायर ने रेसिपेंट को सप्लाई की सप्लायर ने रेसिपेंट को सप्लाई की और जब कभी भी सप्लाई होती है तो आपको इन्वाइस इशू करना पड़ता है सप्लायर ने कहा कि देखो भाई मैंने आपसे दस हजार रुपये चार्ज किए और इन दस हजार रुपये के ऊपर ना फाइव परसेंट के हिसाब से मैं जीएसटी लगा रहा हूं टोटल लाइबिलिटी आ गई आपकी दस हजार पाँच सौ यानी कि रेसिपेंट से कितने रुपए मिलने चाहिए सप्लायर को दस हजार पाँच सौ बट रेसीपियट ने ग्यारह हजार रुपये सप्लायर को दे दिए सप्लायर ने बोला पाँच सौ रुपये मेरे पास खुले नहीं है तो अब क्या होगा रेसिपेंट ने बोला भाई खुले तो मेरे पास भी नहीं है रेस्पेंट ने कहा कि चलो एक काम करते हैं ये पाँच सौ रुपये न बाद में एडजस्ट कर लेंगे बाद में जब मैं आपसे और सामान ले जाऊंगा या ले जाऊंगी तो फिर ये पाँच सौ रुपये तब एडजस्ट कर लेना लेकिन सप्लायर ने बोला कि भाई मुझे आप अगर पाँच सौ रुपये एडवांस दे करके जाओगे ना तो एक तरीके से मुझे अगली सप्लाई की पाँच सौ रुपये एडवांस में मिल चुके हैं और अभी अभी हमने क्या नियम पढ़ा था कि जब आपको पेमेंट अगर पहले हो जाती है तो आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा नॉर्मली मुझे दस हजार पांच सौ के ऊपर जीएसटी पे करना था लेकिन आप मुझे पांच सौ रुपए एक्स्ट्रा देकर जा रहे हो तो गवर्नमेंट कहती है कि इन पांच सौ रुपए के ऊपर आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी आ जाएगी क्योंकि हमने सेक्शन नंबर ट्वेल्व नंबर टू में यही पढ़ा था कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस और द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर तो बेशक से ये पाँच सौ रुपए का मैंने अभी तक आपको इन्वाइस तो इशू किया नहीं है बट आपने मुझे एडवांस में दे दिया और एडवांस बेसिस पर गवर्नमेंट मुझसे जीएसटी ले लेगी अब इन लोगों ने जो ये बिजनेसमैन थे इन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम गवर्नमेंट के साथ शेयर करी उन्होंने कहा कि भाई नॉर्मल बिजनेस में इस तरीके से तो होता ही है कि कभी कभी हमें एडवांस मिल जाता है और वो एडवांस इसलिए नहीं मिलता कि उन्होंने अगली सप्लाई का एडवांस दे दिया वो एडवांस इस कारण से मिल जाता है कि हमारे पास खुले नहीं थे चेंज नहीं थे तो गवर्नमेंट कहती है चलो ठीक है इसका भी हम एक एक्सेप्शनल पॉइंट निकालते हैं गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपको एडवांस मिल गया और ये एडवांस आपको क्यों मिला ये जो इन्वाइस आपने बनाया था ना इस एन्वाइस के रिगार्डिंग जो पेमेंट आई है उस पेमेंट के कारण आपको पाँच सौ एडवांस मिल गया या हजार तक आपको एडवांस मिल गया हजार रुपए तक आपको क्या मिल रहा है एडवांस मिल रहा है तो उस केस में ये जो पांच सौ रुपए है या जो हजार रुपए तक की लिमिट हमने आपको बताई है इन पांच सौ रुपए के रिगार्डिंग इस सप्लायर के पास ऑप्शन है क्या ऑप्शन है या तो भाई देखो तुम पेमेंट बेसिस पर ये जो पांच सौ रुपए है यह दस हजार पांच सौ के साथ आपको मिल चुके हैं ना क्योंकि इन्होंने ग्यारह हजार की पेमेंट कर दी तो आप मार्च के महीने में इन पांच सौ रुपए के ऊपर अपनी टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट कर दो और बीस बाईस से चौबीस अप्रैल तक पाँच सौ रुपये के ऊपर जीएसटी पे कर देना और यदि आप चाहते हो कि नहीं जब मैं फ्यूचर में सप्लाई करूंगा इस रेसिपेंट को उस टाइम पे जो मैं टैक्स इनवाइस बनाऊंगा उसमें मैं इस पाँच सौ रुपये को एड करना चाहूंगा क्योंकि एक्चुअल में तो उसी की पेमेंट मुझे यहां पे क्योंकि एक्चुअल में तो उसी की पेमेंट मुझे मिलनी चाहिए थी तो यहां पे सप्लायर के पास ऑप्शन दे दिया गया कि अगर आपके पास एडवांस आ जाते हैं और वे एडवांस क्यों आ गए क्योंकि आपने जो टैक्स इन्वाइस इशू किया उसमें हमारे पास चेंजेस नहीं थे तो इसी टैक्स इन्वाइस के रिगार्डिंग आपके पास एडवांस आ चुके हैं तो इस एडवांस के ऊपर आपको जीएसटी पे करने की जरूरत अभी नहीं है आप फ्यूचर में जब अगली सप्लाई के रिगार्डिंग इन्वाइस इशू करेंगे तो उस टाइम पे इन पाँच सौ रुपये के ऊपर जीएसटी पे कर देना अब फिर से उसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं देखो क्या लिखा है प्रोवाइडेड दैट सप्लायर ऑफ दुड्स रिसीव एन अमाउंट अप टू वन थाउजेंड रुपीज मेरी एग्जाम्पल में कितना एक्स्ट्रा मिल रहा था उसे पांच सौ रुपए गवर्नमेंट कह रही है अगर हजार रुपए तक भी आपको एडवांस मिल रहा है इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवाइस मैंने टैक्स इनवाइज में कितना अमाउंट इंडिकेट किया था मैंने तो दस हजार पांच सौ इंडिकेट किया था आपने ग्यारह हजार की पेमेंट कर दी यानी कि आपने एक्सेस मुझे कितना दे दिया पांच सौ रुपये गवर्नमेंट कहती है अगर हजार रुपए भी एक्सेस मिल जाता कोई दिक्कत नहीं थी द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट ऑफ सच अमाउंट सच एक्सेस अमाउंट जो ये पांच सौ रुपए आपको एक्सेस में मिले हैं इनकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी वो कह रहे हैं एट द ऑप्शन ऑफ द सप्लायर सप्लायर का माने जब उसकी टाइम ऑफ सप्लाई निकालना चाहे तब तो वो निकाल सकता है बी द डेट इश्यू ऑफ इनवाइस रिलेटिंग टू सच एक्सेस अमाउंट कि वो जो पांच सौ रुपए के रिगार्डिंग जब आप फ्यूचर में एक्स एक्चुअल इन्वाइस इशू करोगे तब जाकर के आप टाइम ऑफ सप्लाई निकाल सकते हो और अगर तब नहीं निकालना चाहते तो आज तो वैसे भी आपकी आपकी टाइम टाइम ऑफ सप्लाई निकल निकल ही ही रही रही है है ना अगर हम ये नहीं बनाते तब भी तो आज थी पांच सौ रुपए के रिगार्डिंग तो आज ही जीएसटी तो पे कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है तो आई होप ये प्रोविजो भी आपको अभी तक समझ आया होगा तो इस चीज को मैंने चार्ट में भी इनकॉर्पोरेट किया है अगर आप चार्ट में जरा ध्यान से देखें तो चार्ट में मैंने क्या लिखा हुआ है सेक्शन नंबर ट्वेल्व सब सेक्शन नंबर टू फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म मैंने क्या लिखा था कि इन्वाइस की डेट और पेमेंट की डेट इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा लेकिन वो जो एक्स्ट्रा पाँच सौ मेरे एग्जाम्पल में जबकि गवर्नमेंट ने हजार रुपये तक की लिमिट बताई है इसमें क्या लिखा है एक्सेस पेमेंट अप टू वन थाउजेंड रुपीज रिलैक्सेशन और रिलैक्सेशन क्या है कि या तो आप आज ही इसके ऊपर जीएसटी पे कर दो आज ही इसकी टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लो क्योंकि ओरिजिनल इन्वाइस के रिगार्डिंग तो आपको निकल ही रहा है अकॉर्डिंग या फिर फ्यूचर में जब आप एक्चुअल में जो सप्लाई करोगे उसके रिगार्डिंग जो इन्वॉइस इशू करोगे तब इसके टाइम ऑफ सप्लाई आप कंप्यूट कर सकते हैं ये हम लोगों ने ऑप्शन दिया है किसको सप्लायर को तो ये प्रोविजो भी आपको क्लियर हो चुका होगा ठीक है अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन हमें प्रोवाइड की गई है एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है एक्सप्लेनेशन में लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉस ए कौन सा है ये वाला और क्लोज ए में क्या लिखा था क्लोज ए में ये बातें लिखी हैं कि की जो एक्चुअल डेट है और जो ड्यू डेट है अर्लियर तो पेमेंट की डेट है ना फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज ए एंड क्लॉज बी सप्लाई शेल बी डीम्ड टू है एक्सटेंट इट इज कवर्ड बाय द और एज द केस में भी बाय द पेमेंट इसको उसी एग्जाम्पल के थ्रू हम कंटिन्यू करते हैं देखो भाई जैसे मान लो जो ये रेसिपेंट है रेसिपेंट ने जनवरी के महीने में अच्छा सप्लायर और रेसिपेंट के बीच में कितने का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है दस हजार पांच सौ रुपए का इसका मतलब क्या हुआ कि रेसिपेंट से सप्लायर को कितनी पेमेंट मिलनी चाहिए दस हजार पांच सौ की ने क्या किया जनवरी के महीने में पांच हजार रुपए एडवांस में दे दिए उन्होंने कहा मैंने दस हजार पांच सौ रुपए देने ना आपको मैंने बोला हां तो ये लो पांच हजार रुपए एडवांस में ले लो तो अभी अभी हमने नियम क्या पढ़ा था कि डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस विच एवर इज अर्लियर तो एडवांस बेसिस में जीएसटी लग जाएगा तो क्या इस पांच हजार रुपए के ऊपर जीएसटी लग जाना चाहिए गवर्नमेंट ने कहा बिल्कुल इस पांच हजार रुपए के ऊपर जीएसटी पे करो लेकिन एक्चुअल में आपकी जो सप्लाई है वो सप्लाई तो दस हजार पांच सौ की है बट एडवांस में आपको कितने मिल रहे हैं एडवांस में तो अभी आपको पांच हजार रुपए ही मिले हैं तो गवर्नमेंट ने कहा जितना आपको एडवांस मिल चुका है उतने के ऊपर हमें जीएसटी पे कर दो वो एक हजार वाली बात को अभी

पांच हजार के ऊपर जीएसटी तो तो फिर से पढ़ो इस लाइन को। For the purpose of clause A, जो हम लिख रहे हैं, ये वाला पॉइंट छोड़ दो। पेमेंट में कितना कवर हो रहा है अभी पेमेंट में तो केवल पांच हजार रुपए ही कवर हो रहे हैं तो गवर्नमेंट कहती है जनवरी के महीने में इन पांच हजार रुपए के ऊपर आपकी जीएसटी लाइबिलिटी आ चुकी है इसका मतलब यह हुआ कि इन पांच हजार रुपए के ऊपर मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ यानी कि फेबर चौबीस तारीख तक फाइलिंग जीएसटी बी ठीक है फिर क्या हुआ फेबर के महीने में मैंने यानी कि सप्लायर ने इनवाइस इशू कर दिया और इनवाइस कितने का बनाया बट ऑबियसली बात है दस हजार पांच सौ का इनवाइस बना मैंने यही तो लिखा है कि इनवाइस कितने का बनना था दस हजार पांच सौ का लेकिन मुझे यह बताओ दस हजार पांच सौ का इनवाइस बना तो इनवाइस बेसिस पर अब परिटी है दस हजार पांच सौ के ऊपर लाइबिलिटी आ रही है बट मैं तो पांच हजार रुपए के ऊपर ऑलरेडी जीएसटी पे कर चुका हूं तो अब कायदे से मुझे बैलेंस पचपन सौ रुपए के ऊपर अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी पड़ेगी तो उन्होंने यही बात लिखी है कि टू द एक्सटेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इनवाइस और बाय द पेमेंट आपको उतना जीएसटी पे करना पड़ेगा एक और एग्जांपल देखो मान लो जनवरी के महीने में मैं एग्जांपल चेंज कर रहा हूं जनवरी के महीने में सप्लायर ने रेसिपेंट ने मुझे दस हजार सॉरी एग्जांपल फिर से ध्यान से सुनते हैं जनवरी के महीने में सप्लायर ने इनवाइस इशू किया दस का अभी मुझे पेमेंट नहीं मिली है पेमेंट मुझे फेब्रवरी में पांच हजार रुपए की मिल रही है और मार्च में पचपन सौ रुपए की पेमेंट मिल रही है एक्चुअल में जो मुझे पेमेंट मिलेगी वो फेब्रवरी में कुछ मिलेगी और कुछ मार्च में मिलेगी लेकिन वो कह रहा है गवर्नमेंट कहती है कि इनवाइस में कितना लिखा है दस हजार पांच सो तो वो कह रहे हैं कि मान लिया जाएगा कि आपको दस हजार पांच सौ की पेमेंट हो चुकी है तो देखो यहां पे वही लिखा है फॉर द परपज ऑफ क्लॉज ए एंड बी द सप्लाई सप्लाई मान ली जाएगी शेल बी डीम टू हैव बीन मेड टू invoice. Invoice में कितना कवर हो रखा है, invoice में लिख रखा है. तो गवर्नमेंट कहती है आपको एक्चुअल पेमेंट मिले या ना मिले वो आप देखो इनवाइस में आपने दस हजार पांच सौ लिख दिया आपने इनवाइस पहले इश्यू कर दिया तो हमें इनवाइस बेसिस पर अब आप क्या दो जीएसटी पे करो तो इस सिचुएशन में दस हजार पांच सौ के ऊपर पूरी लाइबिलिटी आ चुकी है ठीक है दस हजार पांच सौ के ऊपर जनवरी के महीने में लाइबिलिटी आ चुकी है जिसको मैं फेबररी 20, 22 या 24 तारीख तक क्या कर दूंगा जीएसटीआर आर थ्री बी फाइल करके डिस्चार्ज कर दूंगा जब मुझे फेबर के महीने में पाँच हजार रुपये की पेमेंट मिलेगी क्या मैं ऑलरेडी इन बेसिस पर इन पाँच हजार के ऊपर जीएसटी पे कर चुका हूं तो क्या अब पेमेंट बेसिस पर लाइबिलिटी आनी चाहिए दी आंसर इज नो क्योंकि इन बेसिस पर मैं ऑलरेडी इन पाँच के ऊपर लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर चुका हूं फिर मार्च के महीने में जो मुझे और पचपन सौ रुपये मिले क्या इनके ऊपर भी मैं ऑलरेडी इनवाइस बेसिस पर लाइबिलिटी डिस्चार्ज कर चुका हूं जनवरी के महीने में गवर्नमेंट सेड यस तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब यहां पे भी आपको जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन पचपन सौ रुपए के ऊपर भी आप इनवाइस बेसिस पर जीएसटी पे कर चुके हैं तो आपको यह बात अब समझ आ चुकी है कि टू द एक्सटेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाई द पेमेंट और द इनवाइस आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं मान लो मुझे पेमेंट पूरी की पूरी जनवरी के महीने में दस हजार पांच सौ मिल चुकी है तो अब गवर्नमेंट कहती है कि पेमेंट बेसिस पर जनवरी के महीने में आपकी जीएसटी लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है और जो ये जनवरी के महीने का टैक्स पीरियड है इसमें जितनी भी लाइबिलिटी अराइज हुई है इसको आप कब तक डिस्चार्ज करेंगे फेबर बीस बाईस या चौबीस तारीख तक जी एस आर थ्री बी फाइल करते हुए फेबररी के महीने में मैंने इन्वाइस इशू किया एडवांस में पेमेंट मिल चुकी थी बाद में मैंने सर्विसेज दी सॉरी गुड्स सप्लाई की क्योंकि सर्विसेज तो हम सेक्शन थर्टीन में बात करेंगे ना यहाँ पे गुड्स की बात कर रहे हैं तो इनवाइस जो मैंने गुड्स के रिगार्डिंग इशू किया वो मैंने दस हजार पाँच सौ का इशू किया बट पेमेंट बेसिस पर दस हजार पाँच सौ के ऊपर ऑलरेडी मैं जीएसटी पे कर चुका हूं तो अब इनवाइस बेसिस पर लाइबिलिटी नहीं आएगी पेमेंट बेसिस पर मैं ऑलरेडी अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज कर चुका हूं तो ये जो एक्सप्लेनेशन है इस एक्सप्लेनेशन ने हमें क्या बताया इस एक्सप्लेनेशन ने सिंपली हमें बताया कि टू द एक्सटेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द और पेमेंट उतने लिमिट तक आप क्या दोगे जीएसटी पे करोगे ठीक हो गई बात एक और एक्सप्लेनेशन इन्होंने प्रोवाइड की फॉर द परपज ऑफ क्लॉज बी क्लॉज बी में क्या लिखा हुआ है क्लॉस बी में लिखा हुआ है पेमेंट अगर आपको याद हो क्लॉज बी में क्या लिखा है कि जब कभी भी सप्लायर सप्लायर क्या करेगा भाई सप्लायर क्या करता है सॉरी सप्लायर ये रहा यह रेसिपेंट रेसिपेंट क्या करता है रेसिपेंट को क्या करना है केंट को पेमेंट करनी है और ये पेमेंट वाली बात कहां पे लिखी है क्लॉज नंबर बी में लिखी है कि भाई पेमेंट की डेट देख लो अगर पेमेंट की डेट इनवाइस से पहले तो आप जीएसटी पेमेंट बेसिस पर पे करो तो वो कह रहे हैं पेमेंट हम कब मानेंगे कि आपको पेमेंट मिल चुकी है फॉर द परपज ऑफ क्लॉज बी द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट शेल बी द डेट ऑन द पेमेंट इज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट और द डेट ऑन द पेमेंट इज क्रेडिटेड टू हिस्स अर्लियर जैसे मान लो recipient ने सप्लायर को चेक इशू किया और चेक मान लो आज इशू कर दिया और उसकी क्लियरेंस बैंक में दो दिन के बाद जाकर के होगी तो सप्लायर ने क्या किया जब उसको चेक रिसीव हुआ तो उसने बुक एंट्री मार दी अपने जो सप्लायर अकाउंट बनाता होगा उस अकाउंट में लिख दिया इसने कि चेक मुझे रिसीव हुआ है और दो दिन के बाद उसके बैंक में जब उसने चेक रियलाइज करवाया तो सप्लायर का जो बैंक अकाउंट है वो दो दिन के बाद क्रेडिट हो रहा है तो गवर्नमेंट ने बोला पेमेंट किस दिन मानी जाएगी तो गवर्नमेंट ने बोला इन दोनों में से बुक एंट्री वाली डेट और बैंक एंट्री वाली डेट इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वही क्या मानी जाएगी पेमेंट की डेट मानी जाएगी अगर आपके बैंक में पैसा सप्लायर आपके बैंक में पैसा क्रेडिट हो चुका है तो अगर क्रेडिट पहले हो चुका है तो क्रेडिट वाली डेट पेमेंट की डेट मानी जाएगी और मान लो अभी क्रेडिट नहीं हुआ आपको पे, आपको चेक रिसीव हो चुका है तो आपने बुक एंट्री तो मार दी होगी तो बुक एंट्री आपकी क्या मान ली जाएगी पेमेंट की डेट मान ली जाएगी या कई बार क्या होता है कि हम बैंक के थ्रू पेमेंट नहीं करते तो हम किसके थ्रू पेमेंट करते हैं कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो कैश के, के केस में तो इसके बैंक अकाउंट में कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ होगा ना अभी इसने सिंपली परचेस की एंट्री सॉरी सेल की एंट्री पास की होगी और जो कैश इसके पास रिसीव हुआ होगा ये वो बुक में एंट्री मार चुका उस चीज की तो उस केस में बुक एंट्री वाली डेट क्या हो जाएगी पेमेंट की डेट मान ली जाएगी तो इन शॉर्ट सप्लायर के बैंक अकाउंट में जब पैसा क्रेडिट हुआ या सप्लायर ने जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री पास करी उन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी उसी डेट को हम क्या मानेंगे कि आपको पेमेंट रिसीव हो चुकी है तो देखो एक बार फिर से पढ़ते हैं फॉर द ऑफ़ डेट ऑन पेमेंट इज क्रेडिटेड टू हिस्स बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर ठीक है तो अगर हम अपने सेक्शन नंबर ट्वेल्व नंबर टू को कंक्लूड करें तो अभी तक हम क्या बातें समझ चुके हैं सेक्शन ट्वेल्व नंबर टू में हमने यह बात समझी है सेक्शन नंबर ट्वेल्व सब सेक्शन नंबर टू में पहली बात तो हमने यह समझी है कि इसमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की लाइबिलिटी आती है यानी कि सप्लायर को जीएसटी पे करना है सप्लायर को कब जीएसटी पे करना है तो टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का फॉर्मूला यह रहा उन्होंने कहा कि आपने जब इन्वाइस इशू किया अब या तो इन्वाइस की एक्चुअल डेट और या ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर उस डेट को लिखो और पेमेंट आपको कब रिसीव हो गई उस डेट को लिखो इन दोनों डेट्स को कंपेयर करो जो भी अर्लियर डेट होगी उस डेट में क्या निकल जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा और कई बार के, के केस में क्या होता है जब हम इनवाइस इश्यू करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा पेमेंट मिल जाती है क्योंकि कई बार हमारे पास खुले नहीं होते तो उस केस में वो कह रहे हैं एक हजार रुपए तक आपके पास रिलैक्सेशन है और रिलैक्सेशन क्या है या तो आज ही इसकी टाइम ऑफ सप्लाई मान लो या जब फ्यूचर में आप इसके रिगार्डिंग इन्वाइस इशू करेंगे तो उस टाइम पर अपना टाइम ऑफ सप्लाई निकाल लेना फिर हमने प्रोविजो पढ़ने के बाद इसमें दो एक्सप्लेनेशन पढ़ी और एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सप्लाई उतना ही माना जाएगा टू द एक्सटेंट टू द एक्सटेंट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पेमेंट और बाय द इन्वाइस ठीक है और फिर एक और एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी कि जो हम पेमेंट की बात कर रहे हैं कि पेमेंट के केस में जो बुक एंट्री होगी आप उसको देखो आप उसको देखो और जो आपकी बैंक एंट्री है उसको देखो इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वही डेट मानी जाएगी कि आपको पेमेंट हो चुकी है ठीक है तो अभी तक हमने सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन नंबर टू में इन सभी बातों को डिस्कस किया अब जरा सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन नंबर टू में एक और बात को समझते हैं अब सबसे पहले हम समझते हैं प्रॉब्लम क्या रही थी जब जीएसटी का, का कानून आया जीएसटी के का कानून से पहले जो गुड्स के सप्लायर हुआ करते थे उनको एडवांस बेसिस पर उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था और गुड्स वालों को यह समझ ही नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट एडवांस बेसिस पर हमसे जीएसटी क्यों ले रही है अभी तो हमने सप्लाई की ही नहीं जैसे इस वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखें जनवरी के महीने में पांच हजार रुपए एडवांस मिले इनवाइस मैंने फेब्री के महीने में इशू किया तो जीएसटी से पहले क्या होता था कि जब आप इनवाइस इशू कर रहे हैं तब आप दस हजार पाँच सौ के ऊपर जीएसटी सॉरी जो भी पुराने वाले टैक्सेस थे वो पे करें लेकिन जीएसटी के बाद उन्होंने नियम चेंज कर दिया तो गुड्स वालों को दिक्कत होने लगी क्योंकि गुड्स वालों के लिए बिल्कुल नया था कि एडवांस बेसिस पर भी जीएसटी जाता है हब अगर सर्विसेज वालों को कोई दिक्कत नहीं थी सर्विसेस वाले तो जीएसटी आने से पहले भी सर्विस टैक्स के टाइम पे भी एडवांस बेसिस पर जीएसटी ओ सॉरी सर्विस टैक्स देते थे तो सर्विस वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी प्रॉब्लम किसको दी गुड्स वालों को गुड्स वालों ने कहा कि जीएसटी का नया नया कानून है इन्होंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि सरकार आप जो एडवांस बेसिस पर हमसे जीएसटी ले रहे हो ना ये कुछ समय के लिए हमसे एडवांस बेसिस पर जीएसटी मत लो इनवाइस बेसिस पर हमसे जीएसटी लो तो गवर्नमेंट ने उनकी बात को समझा कि चलो ठीक है भाई जीएसटी का नया नया कानून है इनको बर्डनसम फील हो रहा है ठीक है तो इनके लिए हम थोड़ा एक्सेप्शन एग्जिशन से निकाल देते हैं तो जरा देखो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट को सेक्शन 148 में पावर है और क्या पावर है कि आप चेंजेस कर सकते हैं जीएसटी के कानून में आप चेंजेस कर सकते हैं तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेकर के आई नोटिफिकेशन नंबर 66 ऑब्लिक 2017 सीटी डेटेड फिफ्टीन नवंबर 2017 तो 15 नवंबर 2017 को गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेकर के आई और आपको प्रॉब्लम तो पता ही है कि प्रॉब्लम क्या थी ये जो सप्लायर हैं ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सरकार हमसे एडवांस बेसिस में जीएसटी मत लो जब हम इनवाइस इशू करेंगे इनवाइस के बेसिस में जीएसटी ले लो बट एडवांस बेसिस में जीएसटी मत लो तो गवर्नमेंट ने इनकी बात को समझते हुए पंद्रह नवंबर दो को एक नोटिफिकेशन इशू किया और क्या लिखा इसमें जो भी गुड्स के सप्लायर हैं Composition supplier को छोड़ते हुए अभी कंपोजिशन सप्लायर को दो मिनट के लिए हटा दो कंपोजिशन सप्लायर कौन होते हैं याद है composition supplier वो होते हैं जिन्होंने सेक्शन टेन में composition scheme के लिए apply किया होता है ठीक है उसको हम कभी फ्यूचर में देखेंगे तो यह बात तो आपको पता होगी नाउ जो गुड्स के सप्लायर हैं कंपोजिशन सप्लायर को छोड़ते हुए इनको क्या बोला पंद्रह नवंबर दो को नोटिफिकेशन निकाल करके कहा कि एग्जेंटेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन एडवांसेस तो जो प्रॉब्लम गुड्स के सप्लायर को आ रही थी कि भाई हमसे एडवांस बेसिस में क्यों जीएसटी ले रहे हो यार तो गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है आपको हमने एग्जाम्पन दे दी और क्या एग्जाम्पन दे दी कि आपको एडवांस के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं पे करना इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई है वो केवल और केवल इनवाइस के बेसिस में निकलेगी वो एडवांस के बेसिस में अब उसका कोई भी रोल नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जो अभी तक हमने पढ़ा क्या पढ़ा अभी तक हमने अभी तक हमने ये पढ़ा था कि डेट ऑफ इशू ऑफ इनवाइस और द डेट अप टू द शुड हैव बीन इशूड यानी कि की एक्चुअल डेट और ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर उसको पेमेंट के साथ कंपेयर करो और इन दोनों में से जो अर्लियर होगा उसमें आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा बट अब गवर्नमेंट ने क्या बोला गवर्नमेंट ने एग्जीबिशन से कहा कि पेमेंट बेसिस को आप हटा दो और अपना टाइम ऑफ सप्लाई आप केवल और केवल किस में निकालो इनवाइस के बेसिस में निकालो इनवाइस की एक्चुअल डेट और इनवाइस की ड्यू डेट जो भी अर्लियर होगी उस अर्लियर डेट के बेसिस पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा एक बार फिर से देखें 15 नवंबर 2017 को गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो आपको अब केवल और केवल इनवाइस बेसिस में ही निकालना है मैंने इसको डिटेल में भी लिखा है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कंफर्ट अंडर सेक्शन नंबर 148 148 में क्या पावर है मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 148 में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो जीएसटी के कानून में चेंजेस कर सकती है 148 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल लेकिन जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन में करने हैं यर बाई नोटिफाइस और इन्होंने क्या नोटिफिकेशन निकाला द रजिस्टर्ड पर्सन हुट ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन लेवी यानी कि ऐसा सप्लायर जो सेक्शन नंबर टेन में कंपोजिशन सप्लायर कंपोजिशन स्कीम नहीं ले रखा ठीक है एज द क्लास ऑफ पर्सन हु शेल पे टैक्स ऑन द आउटवर्ट सप्लाई ऑन द गुड्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई

कि चलो ठीक है जो हम लोगों की प्रॉब्लम थी कि आप एडवांस बेसिस में गुड्स के सप्लायर से जीएसटी ना लें तो गवर्नमेंट ने उसको 15 नवंबर 2017 को सुन लिया और गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है अब आप पेमेंट बेसिस पर हमें जीएसटी मत पे करना इनवाइस बेसिस पर जीएसटी पे कर देना लेकिन यहां पे एक सवाल उठा कि कंपोजिशन सप्लायर को क्यों एक्सक्लूड कर दिया गवर्नमेंट ने बोला कि कंपोजिशन सप्लायर को प्राइमर फैसाई देख करके लग रहा है कि कंपोजिशन सप्लायर को हम फायदा नहीं दे रहे बट ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने बोला कि कम्पोजिशन सप्लायर के लिए हम ऑलरेडी ऐसी स्कीम ला चुके हैं गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी फ्लेयर में हम लोगों ने एडवांस रिसीव्ड फॉर फ्यूचर सप्लाई जीएसटी इसके रिगार्डिंग बात कर रखी है और इसमें क्या लिखा इसमें लिखा कि जो कम्पोजिशन सप्लायर हैं वो अपनी रिटर्न कौन सी फाइल करते हैं जैसे रेगुलर सप्लायर अपनी रिटर्न फाइल करते हैं रेगुलर रिटर्न जीएसटीआर एस थ्री इन द सेम वे कंपोजिशन सप्लायर साल खत्म होने के अप्रैल तीस अप्रैल तक क्या फाइल करते हैं जीएसटीआर 4 फोर अगर आप जीएसटीआर 4 फोर के टेबल नंबर सिक्स को देखेंगे उस टेबल नंबर सिक्स में हम ऑलरेडी कंपोजिशन सप्लायर को क्या कहते हैं कि आपको जो भी एडवांसेस मिल चुके हैं और जो भी आपकी गुड्स रिटर्न है यानी कि जो भी आपकी सेल्स रिटर्न है वो माइनस कर दो और जो बैलेंस है उसके ऊपर जीएसटी पे करो जैसे जो कंपोजिशन सप्लायर है उसने मान लो एक लाख रुपए की सप्लाई की ठीक है एडवांस जो उसको रिसीव हुआ वो दो हजार रुपए रिसीव हो गया और जो सेल्स रिटर्न है वो एक हजार है तो बैलेंस नाइनटी सेवन थाउजेंड रुपीज के ऊपर उसे जीएसटी पे करना है तो गवर्नमेंट ने बोला इनको तो हम ऑलरेडी अलाउ कर रहे हैं कि आप एडवांस अपना हटा दो तो जब इनको हम जीएसटी फ्लेयर के थ्रू ऑलरेडी अलाउ अल्रेड़ कर रहे हैं तो हमें नोटिफिकेशन में इनका नाम लिखने की जरूरत फिर से नहीं थी क्योंकि इनके लिए ऑलरेडी हम जीएसटी फ्लेयर के थ्रू स्कीम बता चुके हैं तो जीएसटी फ्लेयर यानी कि जैसे ब्रोशर्स होते हैं ना तो जीएसटी वाले भी अपने फ्लेयर निकालते हैं तो उसमें उन्होंने लिख रखा है कि भाई जीएसटी आर फोर में जो टेबल नंबर सिक्स है उसमें हम ऑलरेडी उनको कहते हैं कि जो बैलेंस है केवल उसी के ऊपर अपनी जीएसटी लाइबिलिटी पे करना आपके जितने भी एडवांसेस आपको रिसीव हुए हैं जो भी सेल्स रिटर्न है वो सब माइनस करके जो बैलेंस है उसके ऊपर जीएसटी पे करना तो नट सेल में क्या इफेक्ट पड़ रहा है इफेक्ट वही पड़ रहा है कि जो आप कह रहे थे कि एडवांस बेसिस पर हमसे जीएसटी मत लो तो जो कंपोजिशन सप्लायर है उनको भी तो हम यही कह रहे हैं कि जो भी आपको एडवांस रिसीव हो चुका है उसको माइनस कर दो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब आप भी इनवाइस बेसिस पर ही क्या कर रहे हैं अपना जीएसटी पे कर रहे हैं। तो अगर मैं सेक्शन ट्वेल्व तो तक हमें पेमेंट वाले पॉइंट को नहीं देखना हमें केवल और केवल इन्वाइस वाले पॉइंट को ही देखना है ठीक है तो सेक्शन नंबर ट्वेल्व अपना फिनिश हो चुका है अब सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन नंबर ट्वेल्व थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं अगर डायग्राम के थ्रू आपको बताने की, तो की लाइबिलिटी आती है आपको पता होगा कि दो तरह से लाइबिलिटीज आती हैं एक को हम कहते हैं एफ की लाइबिलिटी और एक को हम कहते हैं आरसीएम की लाइबिलिटी एफ की लाइबिलिटी का मतलब है, कि जो सप्लायर है वो सप्लाई के ऊपर जीएसटी पे करेगा कई बार क्या होता है कि हम रेसिपेंट को कहते हैं कि आप जीएसटी पे करो क्योंकि आपसे जीएसटी कलेक्ट करना कन्वीनियंट है एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो आप, आप आ, टेंडू लीव्स के सप्लायर हैं और आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं आप जिसको सप्लाई कर रहे हैं ना टेंडू लीव्स तो वो

और सेक्शन नंबर ट्वेल्व नंबर थ्री में हम लोगों ने आपको बता रखा है कि आपकी जीएसटी पे करने की लाइबिलिटी कब आएगी तो देखो अगर मैं सेक्शन नंबर ट्वेल्व पे क्या लिखा है केस ऑफ सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स पेड और लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस जी यानी कि आरसीएम की लाइबिलिटी आएगी टाइम ऑफ सप्लाई तो जो इसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा शेल बी अर्लिएस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स ये हमने आपको कुछ डेट बताई है आप इन डेट्स को लिख लो और उनमें से जो अर्लिएस्ट डेट होगी वो अर्स्ट डेट में आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा पहली डेट इन्होंने क्या लिखी डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स रेसिपियो गुड्स कब रिसीव हुई उस डेट को लिखो तो मैं एग्जाम्पल लेकर के चल रहा हूं ये जो मैंने ऊपर वाली लाइन लिखी है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ये मैंने सप्लायर के हिसाब से टाइम ऑफ लाइन लिखी हुई है ठीक है टाइम लाइन लिखी हुई है और ये जो टाइम लाइन है ये मैंने रेसिपेंट के हिसाब से लिखी हुई है अब पहला पॉइंट क्या कहता है ट्वेल्थ सबसे ट्वेल्थ सबसेक्शन नंबर थ्री क्लॉज नंबर ए में उन्होंने क्या बोला डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स जो रेसिपेंट है रेसिपेंट को गुड्स कब रिसीव हो रही हैं उस डेट को लिखो तो अब जरा हम इन डेट्स में से देखते हैं कि रेसिपेंट को गुड्स कब रिसीव हो रही हैं तो अप्रैल के महीने में रेसिपेंट को गुड्स रिसीव नहीं हुई मई 16 मई को रेसिपेंट को गुड्स रिसीव हो रही हैं तो हमने 16 मई की डेट लिख ली फिर उन्होंने क्या बोला द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपेंट और द डेट ऑन विज दि अब देखो भाई जब इसको गुड्स रिसीव हुई तो इसने पेमेंट भी तो की होगी या तो ये पेमेंट एडवांस में कर चुका होगा या ये पेमेंट करेगा तो गवर्नमेंट कह रही है कि पेमेंट की डेट को आइडेंटिफाई करो तो अब रेसिपेंट के एंगल से देखो रेसिपेंट ने जब पेमेंट की होगी तो रेसिपेंट को जो बैंक अकाउंट होगा वो डेबिट होगा ना क्योंकि जब पेमेंट बैंक से जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट कब हो रहा है तो अप्रैल चौदह अप्रैल को रेसिपेंट का बैंक अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि आपने पेमेंट कर दी रेसिपेंट ने पेमेंट कर दी तो चौदह अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट हो चुका है तो अपने पास दो डेट्स तो निकल चुकी हैं कि आपको गुड्स कब रिसीव ही भैया मुझे गुड्स रिसीव हो रही हैं सोलह मई को तो सोलह मई आप लिख लो अच्छा आपका बैंक अकाउंट डेबिट कब हुआ क्योंकि आपने पेमेंट की होगी तो उस डेट को भी लिखो तो चौदह अप्रैल मैंने लिख ली वो कह रहे हैं कि हो सकता है आपने आपने बैंक के थ्रू पेमेंट ना की हो आपने कैश के थ्रू पेमेंट की हो तो उस सिचुएशन में पेमेंट रिसीव हुई होगी ना रेसिपेंट को और सॉरी सप्लायर को ये सप्लायर है ना और ये रेसिपेंट है नाउ रेसिपेंट क्या करेगा रेसिपेंट पेमेंट करेगा तो जो सप्लायर है सप्लायर ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस चीज की एंट्री डाली होगी ना तो सप्लायर ने 15 अप्रैल को एंट्री अपने बुक्स में एंटर की तो अब उन्होंने क्या लिख रखा है जरा ध्यान से देखो द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब एंट्री पड़ी है पंद्रह अप्रैल और क्या कह रहे हैं कि आपका यानी कि जो रेसिपियंट है उसका बैंक अकाउंट कब डेबिट हुआ तो जरा बताओ बैंक अकाउंट चौदह अप्रैल को डेबिट हो रहा है तो चौदह अप्रैल और पंद्रह अप्रैल वो कह रहे हैं एवर इज अर्लियर अगर आप नंबर बी को देखेंगे तो इसमें क्या लिख रखा है एवर इज अर्लियर यानी कि ये दो जो डेट्स हैं इनमें से अर्लियर डेट कौन सी है तो भाई अर्लियर डेट की अगर मैं बात करूं तो अर्लियर डेट आपकी आती है चौदह अप्रैल तो अभी तक हमने क्या देखा क्लॉज नंबर ए और क्लॉज नंबर बी को कंपेयर करते हुए अर्लियर डेट कौन सी आ गई अर्लियर डेट आ गई चौदह अप्रैल ठीक है अभी उन्होंने कहा कि क्लॉज नंबर सी में भी हमने कुछ बातें लिखी हुई हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखना द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग थर्टी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवाइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय वट नेम कॉल्ड इन ल्यू देयर ऑफ बाय द सप्लायर अच्छा मुझे यह बताओ जब कभी भी सप्लायर रेसिपेंट को सप्लाई करेगा तो वो टैक्स इनवाइस इशू करेगा या नहीं करेगा टैक्स एनवाइस इशू करेगा अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो फिर वो टैक्स एनवाइस इशू नहीं करेगा फिर वो मान लो कमर्शियल इन्वाइस इशू करेगा ठीक है तो वो क्लॉज नंबर सी में क्या कह रहे हैं वो क्लॉज नंबर सी में यही कह रहे हैं कि रेसिपेंट साहब आपका जो सप्लायर है ना आपका सप्लायर या तो रजिस्टर्ड होगा और यदि वो रजिस्टर्ड होगा तो उसने आपको इन्वाइस इशू किया होगा और यदि वो रजिस्टर्ड नहीं होगा तो उसने आपको कोई और डॉक्यूमेंट इशू किया होगा जैसे कमर्शियल इन्वाइस तो वो डॉक्यूमेंट्स इशू जब उसने किए उन डॉक्यूमेंट्स के बाद जो थर्टी डेज बीत चुके हैं यानी कि जो थर्टी फर्स्ट डे आएगा वो थर्टी फर्स्ट डे में आपकी टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा क्लॉज नंबर सी के मुताबिक तो देखो मैं इसको भी कंक्लूड करूंगा टेंशन मत लो तो पंद्रह मई को मान लो जो मेरा सप्लायर है उसने इनवाइस इशू किया था अच्छा क्योंकि वो रजिस्टर्ड था तो उसने टैक्स इनवाइस इशू किया था अगर वो अनरजिस्टर्ड होता तो वो क्या इशू करता कमर्शियल इन्वाइस या कोई भी और डॉक्यूमेंट जो वो करता है नाउ वो कह रहे हैं कि पंद्रह मई को टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकलेगा इस पंद्रह मई में तीस दिन जोड़ो उसके बाद जो थर्टी डे आएगा यानी कि मई से पंद्रह जून तीस दिन हो गए ठीक है और जो सिक्स जून आएगा वो क्या हो जाएगा डे हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफ तो जून सोलह तारीख को आपका क्लॉज नंबर सी के मुताबिक टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा उन्होंने हमें तीन क्लोजेस बताए पहले क्लॉज में उन्होंने क्या बोला मैं अलग यहां पे पेन यूज करूंगा इसको मैं थोड़ा यूज करता हूं रेड वाले को ठीक है सबसे पहले उन्होंने क्लॉज नंबर ए में क्या बोला था अब जरा ध्यान से देखना डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स सबसे पहले रेसिपेंट कह रहा है सर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा गवर्नमेंट ने बोला कि आप सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन नंबर थ्री जाकर के पढ़ो तो उन्होंने सेक्शन नंबर ट्वेल्व सेक्शन नंबर थ्री को पढ़ा तो उसके क्लॉज ए में क्या लिख रखा है कि जब आपको गुड्स रिसीव हो रही हैं तो रेसिपेंट आप बताओ आपको गुड्स कब रिसीव हो रही हैं सोलह मई को मुझे गुड्स रिसीव हो रही हैं तो आपने लिख लिया सबसे पहले सोलह मई ये डेट आपने लिख ली बिल्कुल अब वो कहते हैं क्लॉज नंबर बी के मुताबिक आपका टाइम ऑफ सप्लाई कब निकलेगा क्लॉज नंबर बी के मुताबिक वो कह रहे हैं कि जो सप्लायर है सप्लायर ने जो बुक एंट्री मारी है या जो मेरे बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ है उन दोनों में से जो अर्लियर डेट है और अर्लियर डेट इनमें कौन सी है पंद्रह और चौदह तो ये आ गई चौदह अप्रैल तो एक डेट आ गई मेरे पास चौदह अप्रैल ठीक है एक डेट आ गई चौदह अप्रैल फिर क्लॉज नंबर सी क्या कह रहा है कि जब सप्लायर ने आपको इन्वाइस इशू किया था या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट इशू किया था तो जब उस डॉक्यूमेंट को इशू हुए तीस दिन एक्सपायर हो जाएंगे और उसके बाद जो अगला दिन आएगा उस अगले दिन में टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा तो मेरे एग्जाम्पल में सिक्सटींथ जून वो दिन है जब इन्वाइस को इशू हुए तीस दिन एक्सपायर हो चुके हैं तो मैंने यहां पे सिक्सटीन जून भी लिख लिया वो कह रहे हैं अब इन तीनों में से जो अर्लीस्ट डेट है वो डेट में क्या निकलेगा टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा अब इन तीनों डेट में से मुझे अर्लीस्ट डेट बताओ क्या 16 मई नहीं क्या 16 जून नहीं क्या 14 अप्रैल जी हाँ तो 14 अप्रैल इज योर टाइम ऑफ सप्लाई इसका मतलब 14 अप्रैल का वो समय है जब रेसिपेंट साहब आपके टाइम ऑफ सप्लाई अराइज हो चुकी है और इस टाइम ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग अब आपको अपनी जीएसटी लाइबिलिटी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी

इसमें एक प्रोविज़ो इन्होंने दिया है वो कह रहे हैं वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई क्लॉज़ नंबर ए क्लॉज़ नंबर बी क्लॉज़ नंबर सी वो कह रहे हैं आपका इनमें से किसी के भी थ्रू टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल पा रहा ये जो हमने क्लॉज़ ए बी सी आपको बता रखे हैं ना आपका इनमें से कहीं भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल रहा तो उस सिचुएशन में आप प्रोविज़ो को यूज़ करो और प्रोविज़ो में क्या लिख रखा है द टाइम ऑफ सप्लाई शेड बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रेसिपेंट ऑफ द सप्लाई तो हम लोग क्या कह रहे हैं रेसिपेंट साहब अगर आपसे इन यहां कहीं भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल रहा तो हमें यह बताओ रेसिपेंट साहब आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेस की एंट्री तो की होगी ना आपने जब सप्लाई से इन गुड्स को परचेस किया था तो आपने कोई ना कोई परचेस की एंट्री तो की होगी तो वो जो परचेस की एंट्री है वो परचेस की एंट्री पर आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा मान लो आपने परचेस की एंट्री मारी 20 मई को तो 20 मई इज योर टाइम ऑफ सप्लाई, तो मई मही के महीने में आपकी टैक्स लाइबिलिटी आ चुकी है जिसे आप 20, 22 से 24 जून तक जीएसटीआर आर थ्री बी फाइल करते हुए सेटिस्फाई करेंगे ठीक हो गई बात अब इस चीज को मैं आपको चार्ट के थ्रू भी बता देता हूं चार्ट में क्या लिखा है जरा देखो चार्ट में लिखा हुआ है सबसे पहली बात कि सेक्शन नंबर ट्वेल्व सब सेक्शन नंबर थ्री में आरसीएम की लाइबिलिटी आती है अब जो आर की लाइबिलिटी जिस रेसीपेंट के ऊपर आ रही है वो गवर्नमेंट से कहता है कि मैं अपना टाइम ऑफ सप्लाई कैसे कंप्यूट करूं तो सबसे पहले क्लॉज नंबर ए में क्या लिखा था कि रेसिपेंट साहब जब आपको गुड्स रिसीव हो रही हैं आप उस डेट को बताओ तो मेरे एग्जांपल में था 16 मई फिर उन्होंने आगे क्या लिखा था पेमेंट की डेट बताओ और पेमेंट की डेट हमने कैसे निकाली थी कि बुक एंट्री और बैंक एंट्री विच एवर इज अर्लियर जो कि मेरे एग्जाम्पल में चौदह अप्रैल आ रहा था ठीक है फिर तीसरा उन्होंने क्या बोला कि इनवाइस इशू किए हुए जब थर्टी फर्स्ट डे आएगा तो वो टाइम ऑफ सप्लाई होगा तो मेरे एग्जाम्पल में वो क्या निकला था सोलह जून फिर उन्होंने बोला कि इनमें से जो भी अर्लियर होगा इनमें से जो भी अर्लियर होगा ये मैंने ई लिख रखा है यानी कि इन तीनों में से जो भी अर्लीस्ट होगा वो अर्लीएस्ट आपका क्या निकलेगा टाइम ऑफ सप्लाई और मेरे एग्जाम्पल में पेमेंट वाली डेट क्या निकल रही थी टाइम ऑफ सप्लाई यानी कि जो मेरा एग्जाम्पल था अगर आपको याद हो मैंने अपने एग्जाम्पल में क्या बताया था मैंने अपने एग्जाम्पल में आपको बताया था कि 14 अप्रैल मेरा टाइम ऑफ सप्लाई निकल रहा था ठीक है सेक्शन 12 को यूज करते हुए फिर मैंने आपको इसमें एक प्रोविजो बताया और प्रोविजो में मैंने क्या बताया था प्रोविजो में मैंने आपको बताया था कि अगर ट्वेल्व सबसेक्शन नंबर थ्री का यूज करते हुए आप टाइम ऑफ सप्लाई कंप्यूट ना कर पाए तो उस सिचुएशन में आप इस प्रोविजो को यूज कर सकते हैं और प्रोविजो जैसे मैंने यहां पे भी लिखा था कि जो रेसिपियंट ने जब परचेस की होगी तो परचेस की उसने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री मारी होगी ना परचेस की एंट्री तो परचेस की एंट्री आपने किस दिन मारी उस दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा तो यही बात मैंने यहां पर भी लिखी हुई है लास्ट रिसोर्ट अंतिम रास्ता क्या है अगर आप इन तीनों में से कहीं भी अपनी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे तो अंतिम रास्ता क्या है एंट्री ऑफ रिसीट इन द बुक्स ऑफ रेसिपेंट जो रेसिपेंट है उसके बुक्स में जो परचेस की एंट्री मारी होगी वो परचेस की एंट्री ही आपका क्या निकाल देगा टाइम ऑफ सप्लाई निकाल देगा तो अभी तक हमने सेक्शन ट्वेल्व सबसेक्शन नंबर टू डिस्कस कर लिया सेक्शन नंबर ट्वेल्व सबसेक्शन नंबर थ्री डिस्कस कर लिया अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर ट्वेल्व नंबर फोर जो कि बहुत सिंपल बात कहता है यह कहता है कि वाउचर के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा सबसे पहले वाउचर की कहानी को थोड़ा समझते हैं जैसे मान लो कि भाई आपके किसी दोस्त का बर्थडे आ रहा है और आपको गिफ्ट देना है आप शर्ट गिफ्ट करना चाहते हैं बट आप कंफ्यूज है कि भाई उसके फिटिंग की शर्ट होगी या नहीं होगी उसको यह कलर पसंद आएगा या नहीं आएगा तो आप क्या करते हैं आप शॉपकीपर के पास जाते हैं या आप किसी शोरूम में जाते हैं और आप कहते हैं कि सर आपके पास वाउचर होगा वाउचर मैं अपने दोस्त को वाउचर गिफ्ट करना चाहता नाउ जो शोरूम वाला, है, ध्यान से को, शोरूम वाला आपको क्या दे रहा है वाउचर और आप इस वाउचर को किसे देंगे अपने दोस्त को अच्छा वाउचर में क्या होता है एक टाइम लिमिट होती है इस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको वाउचर का रिडमशन लेना पड़ेगा जैसे मान लो वाउचर की टाइम लिमिट है छह महीने की या एक साल की एक साल के अंदर अगर आप कभी भी वाउचर लेकर के आ जाएंगे तो उन वाउचर के अगेंस्ट आप इस शोरूम ओनर से गुड्स खरीद सकते हैं तो अब सवाल यह उठा कि जो वो शोरूम ओनर है जब उसने वाउचर दिया क्या उस टाइम पे टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा या जब उसका दोस्त शर्ट लेने के लिए आएगा यानी कि जब वो वाउचर को रिडम, 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 जब की रिडम्शन होगी तब टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा तो इन्होंने कहा सेक्शन नंबर ट्वेल्व सब सेक्शन नंबर फोर में इन लोगों ने लिखा क्या लिखा कि अगर आप वाउचर के अगेंस्ट जो सप्लाई करेंगे सप्लाई कर रहा हूं और मैं केवल और केवल एक्स गुड्स में डील करता हूं मैं केवल शर्ट को सप्लाई करने का काम करता हूं तो इसका मतलब यह हुआ कि जब मैं शर्ट सप्लाई करूंगा तो मुझे पता है कि इस वाउचर के अगेंस्ट केवल और केवल शर्ट ही बिक सकती है तो वो कह रहे हैं जब आपने वाउचर दिया और आपको बताए कि इस के अगेंस्ट फ्यूचर में मैं शर्ट ही आगे सप्लाई करूंगा तो इसका मतलब जो सप्लाई है वो आइडेंटिफाइबल तो गवर्नमेंट कहती है कि जो सप्लायर है जब वो अपना टैक्स इनवाइस बनाएगा तो टैक्स इनवाइस में जो भी एचएसएम कोड उसे लिखने पड़ेंगे वो इन गुड्स के रिगार्डिंग उसको ऑलरेडी पता है क्योंकि उसको पता है मैं किस गुड्स की सप्लाई करूंगा इन वाउचर के अगेंस्ट तो वो कह रहे हैं अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है वाउचर इशू करते टाइम तो आप क्या करोगे जब वाउचर आपने इशू किया वो ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा जैसा मान लो आज है 20 मई 20 मई 2021 को मैं वाउचर इशू कर रहा हूं और मैं केवल शर्ट में डील करता हूं तो जिसको मैंने वाउचर दिया मुझे पता है फ्यूचर में जब ये आएगा ये इनके अगेंस्ट इन्हीं शर्ट को ले जाएगा एक्स गुड्स को ही ले जाएगा मुझे पता है तो इस केस में मैं आराम से अपना टैक्स इनवाइस बना पाऊंगा एच कोड वगैरह लिख पाऊंगा सारी चीजें मेरी इनवाइस प्रॉपरली बन जाएंगी तो उस केस में आज ही गवर्नमेंट कहती है कि जब आपने वाउचर इशू किया तो वाउचर इशू करने के साथ ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा यानी कि आज 20 मई 2021 है तो आज ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा तो मई मही के महीने के टैक्स पीरियड में आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल चुका है जिसकी लाइबिलिटी आप बीस बाईस से चौबीस जून तक जीएसटीआर फाइल करते हुए फुलफिल कर देंगे अगर केस दूसरा है क्या केस है सप्लाई अगेंस्ट द वाउचर इज नॉट आइडेंटिफाइबल मुझे नहीं पता कि मैं कौन से गुड्स दूंगा मैं शर्ट में भी डील करता हूं मैं गैजेट्स में भी डील करता हूं अब मुझे थोड़ी पता है कि फ्यूचर में मुझसे कौन सी लेकर केवर्नमेंट तो हो हो मुझ ले तो में एक काम करो जब वाउचर रिडीम होगा ना तो रिडेम्शन के टाइम पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा मैंने वाउचर आज दिया लेकिन मैं तीन चार गुड्स में डील करता हूं तो मैं अपना इनवाइस नहीं बना पाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में वो एक्स गुड से ले जाएगा वाई गुड से ले जाएगा तो गवर्नमेंट ने बोला टाइम तो मान लो मैंने 20 मई 2021 यानी कि आज के दिन वाउचर इशू किया बट में तीन चार गुड्स में डील करता हूं मुझे नहीं पता इन वाउचर के अगेंस्ट वो मुझसे कौन सी से गुड्स ले जाएगा तो उस केस में मान लो वो आ, अगस्त तेईस अगस्त को मेरे पास आता है वाउचर को रिडीम रिडीम करवाने के लिए तो तेईस अगस्त दो को टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा और अगस्त के महीने की, की टैक्स लाइबिलिटी आप सितंबर 20, 22 या 24 तारीख तक जीएसटीआर आर थ्री बी फाइल करके फुलफिल करेंगे तो इसी बात को उन्होंने सेक्शन नंबर 12, सब सेक्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखें इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स हां जी अगर एक सप्लायर वाउचर सप्लाई कर रहा है तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा बहुत ही सिंपल उन्होंने कहा अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो जब आपने वाउचर इशू किया वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा और बाकी सभी केसेस में इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपका सप्लाई uh, आइडेंटिफाइबल नहीं है तो उस केस में जो रिडम्पन की डेट होगी वो रिडम्शन की डेट क्या होगी वो रिडम्शन की ही डेट क्या होगी बताओ वो रिडम्शन की डेट ही क्या होगी आपकी टाइम ऑफ सप्लाई की डेट होगी इज दैट क्लियर टू यू अच्छा अब इसमें एक और मजे की बात है मजे की बात क्या है कि जो हमने गुड्स के रिगार्डिंग वाउचर का केस समझा सेम आपको सर्विसेज के रिगार्डिंग भी है जब आप सेक्शन नंबर थर्टीन सब सेक्शन नंबर फोर को पढ़ेंगे तो उसमें भी सेम केस है जैसे मान लो मेरा होटल का बिजनेस है मैं वाउचर इशू कर रहा हूं कि भाई ये वाउचर लेकर के चले जाओ और छह महीने के अंदर अंदर आप कभी भी मेरे होटल में ठहर सकते हो यहां की डाइनिंग फैसिलिटी ले सकते हो ठीक है दो तीन दिन के लिए रुक सकते हो तो उस केस में भी यानी कि सर्विसेज के केस में वाउचर इशू हो सकते हैं तो उस केस में भी क्या ट्रीटमेंट होगी टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा तो वही सेक्शन नंबर थर्टीन सब सेक्शन नंबर फोर में भी यही लिखा गया है कि अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो जब आपने वाउचर इशू किया उसी टाइम पे आपकी टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगी और अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल नहीं है तो जब वाउचर रिडीम होगा उस टाइम पे टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगी अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 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 सबसे क्या कहता है नंबर सबसे कहता है कि देखो भाई आप ना ट्वेल्थ नंबर टू के अकॉर्डिंग अपनी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल पा रहे ट्वेल्थ सबसेक्शन नंबर थ्री के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकल पा रहे ट्वेल्थ नंबर फोर के अकॉर्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई नहीं निकाल पा रहे क्यों नहीं निकाल पा रहे क्योंकि हो सकता है कि आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन है ही नहीं आपने पेमेंट कब की आपने इन्वाइस कब इशू किया आपकी बुक्स में कब एंट्री पड़ रही है आपका बैंक अकाउंट कब क्रेडिट हो रहा है डेबिट हो रहा है आपके पास ठीक से रिकॉर्ड्स मेंटेन है ही नहीं ठीक है आपके अकाउंटेंट ने गड़बड़ कर रखी है आपके रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन है ही नहीं तो हम जो भी आपके स्पेसिफिक प्रोविजन थे ट्वेल्थ सबसेक्शन नंबर टू सबसेक्शन थ्री सबसेक्शन नंबर फोर गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसको यूज नहीं कर पा रहे तो उस केस में हम लोग सहारा लेंगे रेजिवरी केस का ट्वेल्थ सबसेक्शन नंबर फाइव का तो ट्वेल्थ सबसेक्शन नंबर फाइव में क्या लिखा है ट्वेल्थ सबसेक्शन नंबर फाइव ने बोला या तो आप रजिस्टर्ड पर्सन होंगे या आप अनरजिस्टर्ड पर्सन होंगे मान लीजिए आप रजिस्टर्ड पर्सन है लेकिन आपके पास प्रॉपर डिटेल्स मेंटेन नहीं है तो उस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलेगा सबसे पहली बात तो आप यह समझ लो कि सेक्शन नंबर ट्वेल्व नंबर गवर्नमेंट तभी यूज़ करती है जब को यूज नहीं कर पा रही। अंतिम विकल्प के तौर पर देखो भाई, तुम हो, बिल्कुल तो भाई जीएसटी तो तुमसे हमें चाहिए किसी भी तरह से आपसे जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है तो आप रिटर्न फाइल करोगे ना क्योंकि आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होता है उसे रिटर्न फाइल करनी पड़ती है तो जब भी आप रिटर्न फाइल करोगे 3B, तो कर वही तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है और उसी दिन आपको क्या करना पड़ेगा अपना टैक्स जमा करना पड़ेगा तो आप जरा यहां पर ध्यान से देखें क्या लिखा है ट्वेल्थ की हम लोग चर्चा कर रहे हैं ट्वेल्थ सबसे में क्या लिखा है

तो तो इसका मतलब मतलब क्या है? Implied मतलब यह है कि registered person के लिए बोला गया आप करोगे करोगे ना? ना, हाँ करेंगे। तो जिस दिन फाइल ना, उसी दिन आपका क्या निकल जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा ठीक है जैसे मान लो आज है बीस तारीख तो आप जीएसटीआर आर थ्री फाइल कब करोगे हम जीएसटीआर आर uh, 24 चौबीस तारीख को फाइल करेंगे तो चौबीस तारीख ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई है अगर आप टैक्सेबल पर्सन अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है कई बार जीएसटी में क्या होता है कई लोग अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते वो कहते हैं जब डिपार्टमेंट पकड़ लेगा तो देख लेंगे तब तो मान लो डिपार्टमेंट ने किसी गुड्स के सप्लायर को पकड़ लिया और डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई टैक्स जमा करो और तुमने तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं ले रखा तो उसने टैक्स ऑफिसर से पूछा कि साहब मैंने तो कोई रजिस्ट्रेशन ले ही नहीं रखा तो मैं टैक्स जमा कर दूं तो उन्होंने बोला ठीक है आप टैक्स जमा करो हम तुम हम तुम्हें यही बोलेंगे कि आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा तो उसने बोला कि भाई मैंने तो कोई प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए ही नहीं है मैं तो कच्चे में बिल बिल सप्लाई करता था, बिल करता था था इशू ठीक है अब कैश में मैं पेमेंट लेता था ठीक है मैं कमर्शियल इन्वाइस इशू करता था मैं टैक्स तो इशू करता ही नहीं था ठीक है मेरे कच्चे में सारे बिल्स बने हुए तो मेरा कोई प्रॉपर रिकॉर्ड तो है नहीं तो मैं टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालू और मैं रजिस्टर्ड पर्सन भी नहीं हूं जो कि मेरी कोई पीरियडिकल रिटर्न जाती हो तो गवर्नमेंट ने उस केस में कहा कि चलो ठीक है जिस दिन भी आप टैक्स पे करोगे ना उसी दिन आपकी उसी दिन आपका क्या आ जाएगा जिस दिन आप टैक्स पे करोगे उसी दिन उसी दिन आपका क्या आ जाएगा बताओ उसी दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगा तो जैसे मान लो जीएसटी ऑफिसर ने किसी डिफॉल्टर को पकड़ा और आज क्या तारीख है आज तारीख है आपकी 20 मई 2021 20 मई 2021 को किसी डिफॉल्टर को पकड़ लिया जीएसटी ऑफिसर ने और वो रजिस्टर्ड भी नहीं है जीएसटी में तो ना वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई है ठीक है तो आप यह मत पूछो क्या है तो तब टैक्स जमा करूंगा जब सप्लाई निकलेगा गवर्नमेंट ने बोला जिस दिन आप टैक्स जमा करेंगे वही आपका टाइम ऑफ सप्लाई है ठीके? तो आपको ट्वेल्व नंबर में ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है सिंपल सी बात है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करता होगा जिस दिन वो पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करेगा उसी दिन उसकी टाइम ऑफ सप्लाई निकल जाएगी और अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो जिस दिन वो टैक्स डिपॉजिट करेगा वही उसका टाइम ऑफ सप्लाई है उसी को टाइम ऑफ सप्लाई मानते हुए आप अपना टैक्स डिपॉजिट करें तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया सेक्शन नंबर नंबर फाइव

सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर सबसे क्या कहता है इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं ध्यान से एकदम सब सेक्शन नंबर क्या कह रहा है इसको थोड़ा समझते हैं इसमें लिखा हुआ है द द टाइम ऑफ सप्लाई टू एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एन एडिशन इन वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी फॉर डिलेट पेमेंट फॉर डिलेट पेमेंट ऑफ एनी एनी होना चाहिए ये नहीं हो रखा है फॉर जैसे मान लो ये चल रहा है मई का महीना। और आप हो रेसिंट और मैं हूं इधर सप्लायर आपने कहा कि भाई मुझे यह सामान खरीदना मैंने कहा चलो ठीक है मैंने कहा दस हजार रुपए मुझे पे कर दो आपने कहा दस हजार तो आज पे नहीं कर सकता मेरे पास पैसे नहीं है मैंने कहा कहा कब तक करोगे आपने मैं दो महीने में पे कर दूंगा अगर दो महीने में मैं पे नहीं कर पाया तो फिर आप मुझसे एक हजार रुपए का इंटरेस्ट ले लेना मान लो ये मई का महीना है ठीक है अब ड्यू डेट में इन्होंने पेमेंट नहीं की। दो महीने के बाद पेमेंट की तो मैंने कहा जैसे कि भाई हमारे में हुआ था, अब मैं एक हजार के चार्ज करूंगा अच्छा पेमेंट कितने की होनी थी दस हजार रुपए की अच्छा मुझे यह बताओ दस हजार के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी मई के महीने में इन्वाइस तो इशू कर चुका हूं तो दस हजार रुपए के ऊपर तो जीएसटी मई के महीने में इन्वाइस बेसिस पर मैं जमा कर चुका हूंगा अब ये जो एक हजार रुपए मुझे बाद में मिल रहे हैं मान लो अगस्त के महीने में मुझे ये एक मिले और दस मुझे देखो दस हजार रुपए मुझे अगस्त के महीने में पे करे और मैंने कहा था भैया की पेनल्टी मुझे चाहिए तो इन दस तो के इन हजार के के ऊपर मई ऊपर गवर्नमेंट क्या लेती है जीएसटी लेती है अगर आपको पता होगा एक हजार रुपए भी आपकी ओरिजिनल सप्लाई का ही पार्ट है क्योंकि अगर आप ये दस हजार रूपए की सप्लाई करते ही ना तो ये एक हजार रुपए भी आपको ना मिलते तो ये रुपए आपको मिल रहे हैं ये आपकी इसी सप्लाई का पार्ट है तो ये इसमें ऐड हो जाना चाहिए लेकिन अब इस एक हजार के निकलेगा अगर मई के महीने में ही आप टाइम ऑफ सप्लाई निकालेंगे तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि मई के महीने में टाइम ऑफ सप्लाई था आप तो अगस्त के महीने में इस एक हजार रुपए के ऊपर जीएसटी पे कर रहे हैं तो हमें मई जून जुलाई इंटरेस्ट के साथ 18 परसेंट के के पर एक हजार रूपए के ऊपर जीएसटी पे करो तो ये तो ये बहुत सिचुएशन हो जाती। मुझे जब एक हजार रूपए बाद में ही मिल रहे हैं तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई पहले कैसे हो सकता है तो इसलिए बोला इन एक हजार का जो टाइम ऑफ सप्लाई होगा ये तभी होगा जब आपको एक्चुअल में पेमेंट रिसीव होगी तो ये एक जो मुझे चाहे मैं इसे इंटरेस्ट बोल लू लेट फी बोल लू फाइन बोल लू जिस मर्जी उस नाम से बुलाऊं ये एक हजार रुपए मुझे जब रिसीव होंगे उस रिसीट के टाइम पे क्या होगा इन एक हजार रुपए के रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा तो अगर आप फिर से इन पॉइंट को थोड़ा ध्यान से पढ़ें क्या लिखा हुआ है? लिखा, है लिखा हुआ है द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एन एडिशन इन वैल्यू यानी कि एडिशन एडिशन क्या था वैसे तो दस हजार की बात भी थी बट एक हजार रुपए मैंने इंटरेस्ट के ले लिए तो एडिशन जो एक हजार रुपए है चाहे मैं इसको इंटरेस्ट बोल लेट फी बोल पेनल्टी बोल क्यों बोल क्योंकि आपने पेमेंट में डिले की है दस हजार रुपए की पेमेंट मई मही के महीने में होनी चाहिए थी आपने दो महीने के बाद की है तो मैंने कहा था भैया एक हजार रुपया मुझे एक्स्ट्रा चाहिए तो क्योंकि डिले पेमेंट के कारण मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है तो उस एक हजार के रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा वो कह रहे शेड बी द डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू तो ये जो सप्लायर है इसको ये एक हजार रुपए कब मिले अगस्त के महीने में तो अगस्त दस तारीख को मान लो इसको एक हजार रुपए एक्स्ट्रा मिले तो अगस्त का महीना क्या हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा और इस अगस्त के महीने की बाईस से चौबीस तारीख तक आपको फुलफिल करनी पड़ेगी तो इसी के साथ हमने सेक्शन नंबर अपना ट्वेल्व कंप्लीट कर लिया सेक्शन नंबर ट्वेल्व हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया और सेक्शन नंबर ट्वेल्व में हम लोगों ने क्या कुछ डिस्कस किया सेक्शन नंबर ट्वेल्व में हम लोगों ने क्या कुछ डिस्कस किया ट्वेल्थ सबसेक्शन नंबर वन सबसेक्शन नंबर टू सबसेक्शन नंबर थ्री फोर फाइव एंड सिक्स ठीक है सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि सर्विसेज के रिगार्डिंग ट्वेल्थ सबसेक्शन नंबर फोर में जो लिखा है थर्टीन सबसेक्शन नंबर फोर में भी सेम लिखा है ट्वेल्थ सबसेक्शन नंबर फाइव में जो लिखा है थर्टीन सबसेक्शन नंबर फाइव में भी सेम लिखा है ट्वेल्थ सबसेक्शन नंबर सिक्स में जो लिखा है थर्टीन सबसेक्शन नंबर सिक्स में भी सेम बात लिखी हुई है ठीक है तो अगले बार जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम सेक्शन थर्टीन के रिगार्डिंग बात करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि अगर रेट में चेंजेस हो जाएँ मैंने इन्वाइस इशू कर दिया और जब मैंने इन्वाइस इशू किया उस समय पाँच परसेंट का रेट चल रहा था लेकिन जब मुझे पेमेंट रिसीव हुई उस समय अट्ठारह परसेंट का रेट चल रहा है तो अब मुझे जीएसटी किस रेट से देना चाहिए तो इस तरह का डिस्कशन भी हम लोग अगली वीडियो में करेंगे लेकिन उससे पहले कुछ बातें जो यहां पे समझ लेनी चाहिए हमें एक बात हमें पता है कि भाई जो गुड्स के रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई है वो सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग निकलेगा और सर्विसेज के रिगार्डिंग जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग निकलेगा यह सुनो अगर मैं गुड्स के इंपोर्ट की बात करूं तो आपको याद आना चाहिए कि गुड्स के इंपोर्ट की बात हम कस्टम लॉ से हैंडल करते हैं तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा यह हम जीएसटी के थ्रू नहीं डिस्कस करते तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर हम गुड्स का इंपोर्ट करते हैं तो गुड्स के इंपोर्ट के लिए कस्टम एक्ट नाइनटीन ऑलरेडी बना हुआ है और उसी में हम गुड्स के इंपोर्टेशन के रिगार्डिंग सारी बातें डिस्कस करते हैं तो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा ये हम सेक्शन नंबर ट्वेल्व इसमें यूज नहीं करते ये मैंने यहां पर क्रॉस लगाया हुआ है आप इसको आराम से समझ पाएंगे कि भाई कस्टम के थ्रू हम गुड्स को हैंडल करते हैं ठीक है इंपोर्ट ऑफ गुड्स को हैंडल करते हैं तो उस केस में हम लोग सेक्शन ट्वेल्व का यूज नहीं करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए एज फार एज द सर्विसेस आर कंसर्ट तो आपको पता होना चाहिए कि सर्विसेस केस में कभी भी कस्टम एक्ट नहीं लगता तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेस हम किसके थ्रू हैंडल करते हैं जीएसटी के थ्रू हैंडल करते हैं इसका मतलब यह हुआ कि जो सर्विस के इम्पोर्ट का टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो सेक्शन थर्टीन के अकॉर्डिंग निकलना चाहिए ठीक है और सेक्शन थर्टीन में हमारे पास थर्टीन सेक्शन नंबर टू थ्री फोर फाइव सिक्स है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा हमें यूज करना पड़ेगा सेक्शन थर्टीन सबसेक्शन नंबर थ्री थर्टीन सबसेक्शन नंबर थ्री क्यों यूज करना पड़ेगा क्योंकि जब कभी भी हम सर्विसेज का इंपोर्ट करते हैं तो इसके ऊपर आर की लाइबिलिटी आती है क्यों आर की लाइबिलिटी आती है जब हम सर्विस का इंपोर्ट कर रहे हैं तो सप्लायर आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है और गवर्नमेंट कहती है कि आउटसाइड इंडिया वाले को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इंडिया के रेसिपेंट के ऊपर लाइबिलिटी डाल देंगे तो ये मैंने यहां से एरो बनाया है कि अगर आप सर्विसेज का इंपोर्ट करते हैं तो उस केस में आरसीएम की लाइबिलिटी आएगी और वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि थर्टीन सेक्शन नंबर थ्री में सर्विसेज के केस में अगर आर की लाइबिलिटी आती है तो वो कैसे उसका टाइम ऑफ सप्लाई कंप्यूट किया जाता है तो बेसिकली अगली वीडियो में हम लोगों का फोकस थर्टीन सेक्शन नंबर टू थर्टीन सेक्शन नंबर थ्री में होगा और साथ में अगर टैक्स के रेट में चेंजेस हो जाएं तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं आ, आ, कौन सा रेट हमें यूज़ करना पड़ेगा जीएसटी पे करने के लिए वो सारी बातें भी हम वहाँ पे देखेंगे इसके अलावा अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है और अगर आपको वीडियो की स्पीड स्लो लगती है तो आप इसे यूट्यूब में फास्ट फॉरवर्ड मोड में देख सकते हैं थैंक यू सो मच अगर अभी तक आपने लेक्चर देखा